क्योंकि बाबा मिलते ही हमें सुख शांति मिल जाना चाहिए संपूर्ण रीति से, और यही दो चीजों के लिए पूरी दुनिया भटक रहे हैं। जितनी भी दुनिया में लोग हैं, चाहे अमीर हो, गरीब हो, चाहे पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो, कोई भी हो, पूरी दुनिया में उनका एक ही लक्ष्य है, संपूर्ण सुख मिले। पर क्या होता है, सुख मिलता तो शांति नहीं, शांति है तो सुख नहीं है। दोनों दादी जानकी जी कहते ना, दादी जानकी जी दो बच्चे हैं उनका, सुख और शांति। तो उसकी प्राप्ति हमें अनुभव करना है, उसका जो प्रतिदिन जो अनुभूति हम कर सकते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, और आप लोगों से निवेदन है, अगर कुछ बाद में प्रश्न हो, किसी का प्रश्न तो है सुख शांति प्राप्त करने के लिए, अभी भी मन में प्रश्न तो नहीं है? हाँ जी, नहीं है, सब प्रसन्नचित्त है, संतुष्ट है, बताइए। सोचने क्यों लगते हैं हम लोग, कोई भी बात पूछते हैं, अगर है तो हाँ जी बोल दीजिए, बोलिए। अच्छा, नहीं है तो नहीं, ना जी, क्योंकि ये जो फ्लक्चुएशन है भाई, आज अभी बारिश आ जाए लोग छाता लेके निकलते, क्योंकि सिचुएशन चेंज हुआ, बहुत गर्मी है तो बाहर निकलना पसंद नहीं करते, तूफान आ रहे तो घर में रहना पसंद करेंगे, किसी को नहीं मालूम है पूरे दिन क्या होने वाला है। लेकिन पूरे दिन कुछ भी हो, हमें तो उसको सामना करना ही है ना, उसके साथ चलना ही है ना। तो ये जो माया का जो स्वरूप है, ये बहुत सूक्ष्म है। कई बार माया प्रवेशता होती है, लोग माया को जीतने की बातें करते हैं, खुद में माया का भूत प्रवेश है और दूसरों के क्या बोलते हैं, हाँ, माया से दूर रहो। तो आप कैसे पहचान लेंगे इस चीज को? कई बार खुद में प्रवेश हो जाता माया, जैसे ही माया प्रवेश होती है उसका, जैसे आपने दुनिया में देखा होगा, जैसे भूत प्रवेश होता है तो नॉर्मल बोलता है क्या, हाँ जी क्या बोलेगा, कैसे बोलेगा, कितनों ने देखा हाथ उठाओ, भूत बोलता है ना, अच्छा चिल्लाते बोलेगा, अनसंट बोलेगा, जो मन में आए बोलेगा, वो किसी को देखेगा नहीं है, चाहे भगवान भी सामने हो तो तब भी चिल्लाएगा, मधुबन में नहीं होता बाबा आए तो अभी माया आ जाती है, भूत आ जाता है। तो ये सूक्ष्म बात है, किसी का मन में, किसी का शरीर में अगर माया प्रवेश हो जाती है, अब सच सच बताओ कितने लोग पहचानते, हाथ उठाओ, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, पहचान लेते हैं माया उनके शरीर में समय है, इस समय ये श्रीमत अनुसार नहीं बोल रहे, माया बोल रहे, पहचान में आता है, हाँ जी आता है, समझ लेते हैं। तो आप लोग बहुत होशियार है इसका मतलब, क्योंकि बहुत कम लोग समझते हैं इस चीज को। जैसे मान लीजिए आप क्लास में चल रहे हैं, दो तीन लोग मिल करके, उसमें एक कहती है थोड़ा और रुक जाओ, ये क्या है, हाँ जी, लेकिन रुकते क्यों है फिर, पहचाना नहीं आपने उनको माया को, आपने पहचान, अरे ये मेरे साथी है, मेरे साथ जाती है, हिसाब किताब भी माया के रूप में आता है। अगर आप हिसाब किताब के ऊपर जाएंगे तो फिर माया को पहचान नहीं पाएंगे। तो जितना आपका बुद्धि महीन होगा तो माया को पहचान लें, अब बुद्धि महीन नहीं है तो क्या होगा, तो एक संकल्प ले लो आज, जिस लोगों से मैं पूरा दिन मिलता हूं या मिलती हूं, अगर उनके मुख में ज्ञान नहीं है, मन में बाबा के याद नहीं है, या उनके संकल्प में श्रीमत नहीं है,
या वो ज्ञान का उल्टा बोलता है या बोलती है, श्रीमत का उल्टा है उल्टी बोलती है, तो हमें उससे क्या करना चाहिए? किनारा करना चाहिए या दोस्ती करना चाहिए? आज बाबा कहते किसी से किनारा ना करो। हाँ जी, अच्छा अच्छा बहुत अच्छा। उसके लिए शुभ भावना शुभ कामना रख के अपने को बचा लो। क्या करो? अपने को बचा लो। कितने लोग बचाने में इंटरेस्ट लेते हैं? बचा लेते हैं? अच्छा, हाँ जी, अच्छा। प्रयास करना, वो बहुत दिन हो गए अभी प्रयास करने, अब प्रयास करने के समय नहीं है। प्रयास करना माना बचा नहीं रहे हम अपने को। चलो अब आप थोड़ा सा इस चीज को ध्यान करो, क्योंकि माया बहुत मीठा बन के आता है। जैसे रामायण में राम स्वयं जब तीर चलाता है ना, तो माया कभी इधर प्रकट होता है, रावण कभी इधर प्रकट होता है। जैसे तीर चलाते वहां है ही नहीं, वो दूसरे जगह दिख रहा है। ये सब क्या है? माया का स्वरूप। कहीं भी आ सकते, माया का कोई स्थान नहीं है। देखो भगवान का रथ फिक्स है, स्थान फिक्स है, समय फिक्स है, युग फिक्स है, लेकिन माया का कोई भी चीज घर में आ सकता है, आश्रम में आ सकता है, मधुबन में आ सकता है, रोड पे आ सकता है, किसी गली में आ सकता है, हाँ, या किसी के कहीं भी, कोई किसी भी समय आ सकता, कहीं भी 24 घंटा। माया के लिए द्वार 24 घंटा खुला है। तो इसलिए हमेशा बाबा कहते हैं जागृत स्थिति में रहो, अपने को एकदम उस स्मृति में रखो। अब हम माया से बहुत लंबे समय तक छुट्टी ले रहे हैं, ठीक है। ओम शांति।